संजय चौधरी सेंटर पब्लिक स्कूल अजीतगढ़ से। आज हम स्टार्ट करेंगे 22 क्लास की 12th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हम ये जो सिलेबस है वो आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग आगे लेके जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हम पढ़ेंगे। तो 12th क्लास का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है आवर्त बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आवर्त बीजी पादप होते कौन से हैं। हमने कक्षा 11 में जब पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि पादपों को पांच भागों में या पांच जो वर्ग थे उनमें विभाजित किया गया। सबसे पहला था थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेंडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और सबसे एडवांस और सबसे उच्च जो श्रेणी थी वो थी आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी का मतलब होता है ऐसे पादप जिनके बीज जो है वो आवृत रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। इन पादपों में होता क्या है, इनका जो अंडाशय होता है वो निषेचन के पश्चात परिपक्व के बाद निषेचन होगा और निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होगा वो फल में परिवर्तित हो जाता है और इनका जो बीजांड था वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो बीजांड किसके अंदर संरक्षित रहता है, अंडाशय के अंदर। तो बीजांड किसमें बदल गया, बीज में। बीजांड से बन गया बीज। इस बीजांड के चारों तरफ का अंडाशय, ये अंडाशय बदल जाएगा फल में। तो इस तरह इनका बीज जो होगा वो फल के अंदर संरक्षित रहता है, फल के अंदर घिरा हुआ रहता है, इसलिए इनका नाम हम देते हैं आवर्तबीजी, आवर्तबीजी पादप। इन पादपों का जन्म हम पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि जनन होता क्या है, जनन की आवश्यकता क्यों है, क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी उसको प्रभावित करने वाले कारक है, वो सब थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, जीवन अवधि। मान लो एक जीव है, उसने जन्म लिया, एक जीव था उसने जन्म लिया, जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, मृत्यु उसकी होगी। एक जीव था उसने जन्म लिया, तो यहां उसने जन्म लिया और यहां जाके वो खत्म हो गया, मर गया। तो इस जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, मृत्यु जो होगी वो प्राकृतिक होगी, उसको अप्राकृतिक मृत्यु को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो एक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जितना भी समय होता है, जो भी टाइम पीरियड होता है, उसको अपन कहते हैं जीवन अवधि। इसको अपन जीवन अवधि के रूप में निरूपित करते हैं। तो जीवन अवधि क्या हो गई, एक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है, बीच की जो समय अवधि होती है, उसको अपन जीवन अवधि उस जीव की कहते हैं। जीवन अवधि सभी जीवों के लिए अलग अलग होती है, ये सब हम सब जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी जो जीवन अवधि होती है, किसी भी जीव की जीवन अवधि होती है, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, जंतुओं में भी कोई भी जीव हो, पादपों में भी कोई भी पादप हो, उसकी जीवन अवधि को हम तीन भागों में बांटते हैं, ये तीन अवस्थाएं भी इसे कहते हैं। इन्हें जीवन अवधि को तीन भागों में बांटते हैं और इसे जीवन की तीन अलग अलग अवस्थाएं अपन कहते हैं। सबसे पहली अवस्था जो होती है उसको अपन कहते हैं कायिक अवस्था या किशोरावस्था। कायिक अवस्था अपन पादपों के लिए कह देते हैं और किशोरावस्था जो होगी वो अपन जंतुओं के लिए कहते हैं, प्राणियों के लिए कहते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है इसकी जननिक अवस्था। तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है वृद्धावस्था या जीर्णता, वृद्धावस्था या जीर्णता, ऐसी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले कायिक या किशोरावस्था, जुवेनाइलिटी, दूसरी जननिक अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज, और सबसे लास्ट वाली ओल्ड एज, एजिंग जिसको बोलते हैं, वृद्धावस्था या जीर्णता बोलते हैं। तो अब जीव क्या होगा, जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद में वो क्या करेगा, अपना शारीरिक और मानसिक विकास करेगा। जीव का शारीरिक और मानसिक विकास जिस अवस्था के दौरान होता है, जीवन अवधि की जिस अवस्था में होता है, उस अवस्था को अपन कहते हैं किशोरावस्था या कायिक अवस्था कहते हैं। जब जीव शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएगा, तो जब शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो रहा होगा, उसी दौरान उसके लैंगिक अंग भी क्या होंगे, परिपक्व होंगे। लैंगिक अंगों के परिपक्वन के पश्चात उसमें क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा और वो जनन के योग्य बनेगा। तो युग्मकों का निर्माण और जनन के योग्य जीव जब बन जाता है, उस अवस्था को अपन कहते हैं जननिक अवस्था। इस अवस्था के दौरान जीव क्या करेगा, युग्मकों का निर्माण करेगा और अपने समान जनन करके अपने समान नए जीव बनाएगा।
सबसे अंतिम अवस्था जो आती है वो आती है वृद्धावस्था या जीर्ण का। जीव जनन करेगा, अपने समान जीव बनेगा, उसके बाद में उसकी अवस्था या उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें क्या होगा, कोशिकाएं और उत्तक जो होंगे वो हासित होने लगते हैं, उनमें धीरे धीरे डीजनरेशन होने लगता है। जैसे जैसे डीजनरेशन होता जाएगा फाइनली अंतिम रूप से वो क्या करेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा कि एक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो काल था उसको हमने कहा जीवन अवधि। जीवन अवधि को हमने तीन भागों में या तीन अवस्थाओं में बांटा, पहली कायिक अवस्था जिसके दौरान उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा, दूसरी जननी अवस्था जिस दौरान वो जनन करके अपने जैसे नए जीव बनाएगा ताकि अपनी पीढ़ी को क्या कर सके, स्थायित्व प्रदान कर सके। सबसे अंतिम वृद्धावस्था या जीर्णता, इस दौरान उसके उत्तकों का और कोशिकाओं का ह्रास होने लगेगा, डीजनरेशन होने लगेगा और फाइनली अंतिम रूप से अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा, धीरे धीरे मृत्यु के ओर जाएगा और मर जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है वो निकल कर आई जनन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज जो आई वो निकल के आई जनन, रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन या जनन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जनन की आवश्यकता पड़ी क्यों, जनन की आवश्यकता हुई क्यों। कोई भी जीव है वो अमर नहीं है, कोई भी जीव जो है वो अमर नहीं है। जीव ने अगर जन्म लिया तो वो मरेगा भी। अगर जीव जन्म लेगा और मर गया तो उसकी जो पीढ़ी है, उसके जो जाति है वो क्या होगी, उसकी स्पीसीज जो होगी वो नष्ट हो जाएगी। तो अपनी पीढ़ी के, अपनी जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो जनन होता क्या है, जनन की परिभाषा क्या होती है, जनन को हमें जीव विज्ञान के प्रक्रम के रूप में देखते हैं। जीव है तो उसके अंदर जो प्रक्रियाएं होंगी वो क्या होंगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगी, जीव विज्ञान के प्रक्रम होगा। जनन को हमें जीव विज्ञान के प्रक्रम के रूप में देखते हैं और एक ऐसा जीव विज्ञान के प्रक्रम जिसमें एक जीव अपने समान छोटे जीव को उत्पन्न करता है। इन छोटे जीव जो होते हैं, जो उत्पन्न हो रहे हैं, उनको अपन कहते हैं संतति, इनको अपन कहते हैं संतति। तो एक जीव जो अपने समान, एक जीव जो जीव विज्ञानी प्रक्रम द्वारा अपने जैसे छोटे जीव के संतति उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, जनन। तो जनन की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जीवों द्वारा अपने समान छोटे जीव या संतति उत्पन्न करने का जीव विज्ञानी प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब कोई जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न कर रहा है, इसको हमने क्या कहा, जनन कहा। ये जनन जो है वो निर्भर किस पर करेगा, किस किस पर निर्भर करेगा, कि कोई जीव कैसे जनन करेगा, ये निर्भर करता है सबसे पहला तो जीव के आवास पर। जीव का आवास कैसा है, कौन से आवास में रह रहा है, प्राकृतिक आवास में रह रहा है या नहीं, या आवास की परिस्थितियां कैसी है, वहां का वातावरण कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उन सब चीजों पर निर्भर करेगा। दूसरा निर्भर करेगा उसकी आंतरिक आकारिकी पर, इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, जीव की खुद की आकारिकी कैसी है, जीव का खुद का अंदर की जो शरीर की क्रिया है वो कैसे हो रही है, उसकी आंतरिक आकारिकी कैसी है। दूसरा उसकी आंतरिक शरीर विज्ञान, आंतरिक शरीर विज्ञान जिसको अपन कहते हैं कार्यकी फिजियोलॉजी, उसको अपन कहते हैं कार्यकी फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा अन्य कई चीजें हैं जो जिन पर निर्भर करता है, लेकिन मुख्य चीजें जो होंगी वो आवास, आवास के अंदर प्रकृति आवास है या कृत्रिम, साथ में वहां का वातावरण कैसा है, वातावरणीय कारक कैसे है, तापमान कैसा है, वहां का आर्द्रता कैसी है, वो सारी चीजें उसकी आंतरिक आकारिकी और कार्य की, ये सब निर्भर करता है कि इन सब चीजों पर निर्भर करता है कि एक जीव नए जीवों को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, जनन जिसको हमने कहा है, उसको संपन्न कैसे करेगा। अब ये तो हो गया, अब जनन की अपन बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने बायोलॉजी के लिए हर चीज के लिए एक शाखा निर्धारित की है कि इस शाखा में इस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में जनन का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे अपन कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी, कुछ लोग इसे भ्रूण विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी। तो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनन का अध्ययन किया जाता है। और तो जनन के अंदर क्या क्या अध्ययन करेंगे अपन,
जनन कैसे होगा? सबसे पहले उसमें युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक निर्माण के बाद में युग्मकों का संलयन होगा, संलयन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नया जीव बनेगा और उसका फिर क्या होगा? पार्चुरेशन होगा, जन्म होगा। ये सारी प्रक्रियाएं जीव विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। और इन सब प्रक्रियाओं को हमने किसमें कहा? जनन के अंदर कहा था। हमने क्या कहा कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? जनन की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। और जनन के दौरान क्या क्या होगा? युग्मक निर्माण से लेकर संतति उत्पन्न होने तक की पूरी प्रक्रिया है, ये जीव विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ी जाएंगी उसको कहते हैं अपन एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा, नर में नर युग्मक का और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा, फिर दोनों युग्मकों का परिवहन होकर दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, उसके बाद में युग्मकों का क्या होगा? निषेचन होगा, संलयन होगा। युग्मकों के संलयन को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कह देते हैं। उसमें निषेचन होगा या युग्मकों का संलयन होगा। युग्मकों के संलयन के पश्चात क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। सबसे पहले जायगोट बनेगा, उसके बाद में एम्ब्रियो, यानी पहले युग्मनद बनेगा और उसके बाद में भ्रूण बनेगा। भ्रूण से नया जीव बनेगा और नए जीव बनने के बाद में वो जीव क्या करेगा? जन्म लेगा, उत्पन्न होगा, उसका पार्चुरेशन होगा। तो अब हमने क्या कहा? एम्ब्रियोलॉजी क्या होगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं उसे अपन ने एम्ब्रियोलॉजी कहा। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, अगर कोई भी शाखा है तो उसके कोई ना कोई जनक भी होंगे, उसके कोई ना कोई पिताजी भी होंगे। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी का जनक जो है वो माना जाता है सी एफ वोल्फ को माना जाता है। फिर फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी जो है वो माना जाता है पंचानन माहेश्वरी को, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी की, माहेश्वरी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। पंचानन माहेश्वरी जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर थे और इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था, जो बुक थी उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ जनन के बारे में बेसिक डिटेल्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जनन होता क्या है। एक जीव विज्ञानी प्रकरण जिसमें जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न कर रहा है, छोटे जीवों को उत्पन्न कर रहा है, संतति को उत्पन्न कर रहा है, फिर किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, उसके फादर वादर कौन है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी सी एफ वोल्फ को माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी को माना जाता है। पंचानन माहेश्वरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये सब चीजें साथ में चल रही हैं, इन सब चीजों को साथ में या तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते रहें, क्योंकि नोट डाउन और समझना दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। लिखा हुआ भी होगा आपके पास और समझा हुआ भी होगा, तभी चीजें ज्यादा इफेक्टिव होंगी, प्रभावी होंगी। तो अब अपन बात करते हैं जनन के प्रकारों के बारे में। जनन के सामान्यतः जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सामान्य जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन इसको बोलते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक और लैंगिक जनन,
तो सबसे पहला अपन देखते हैं एलेंगी के जनन। एलेंगी के जनन में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण हो भी सकता है नहीं भी हो, लेकिन युग्मकों का संलयन जो होगा वो हमेशा अनुपस्थित रहेगा, यानी युग्मकों का संलयन इसके अंदर कभी भी नहीं होगा। दूसरा, इसमें एक ही जनन भाग लेगा, एक ही जनन भाग लेगा। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग लिंग वाले, दो विपरीत लिंग वाले जरा भाग लेते हैं। तो एलेंगी जनन की परिभाषा जब हम देते हैं तब हम ये कहते हैं कि एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में, एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में, युग्मक संलयन की अनुपस्थिति में, युग्मक निर्माण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन युग्मक का संलयन या निषेधन जो होगा वो हमेशा अनुपस्थित रहेगा। तो एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण द्वारा या अनुपस्थित युग्मकों की अनुपस्थिति या उपस्थिति या अनुपस्थिति में, युग्मक संलयन की अनुपस्थिति में किया जाने वाला जनन उसे क्या कहते हैं, एलेंगी जनन। तो एकल जनक द्वारा युग्मक संलयन की अनुपस्थिति में किया जाने वाला जनन कौन सा हो गया, एलेंगी जनन। दूसरा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की जब अपन बात करते हैं, इसकी परिभाषा जब अपन देते हैं, तब हम ये कहते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर दो विपरीत लिंग वाले जीव, दो विपरीत लिंग वाले, एक नर दूसरा मादा, दो विपरीत लिंग वाले जीव नर युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन के प्रक्रिया द्वारा नए जीव को उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन क्या होगा, दो विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन द्वारा किया जाने वाला संतति उत्पादन या किया जाने वाला जनन क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। और युग्मक संलयन की अनुपस्थिति में किया जाने वाला जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि एकल जनक द्वारा, एकल जनक द्वारा युग्मक संलयन की अनुपस्थिति में होने वाला जनन, ठीक है, क्लियर। और लैंगिक जनन क्या होगा, दो विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले एक नर एक मादा, दो विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा, जनकों द्वारा युग्मक निर्माण व संलयन द्वारा किया जाने वाला जनन, युग्मक निर्माण व संलयन द्वारा किया जाने वाला जनन उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक में हमारे को याद रखना है कि युग्मक निर्माण हो भी सकता है नहीं भी होगा, लेकिन युग्मकों का संलयन कभी नहीं होगा। लैंगिक जनन में हमारे को क्या याद रखना है कि दो जीव भाग लेंगे, दोनों अलग अलग लिंग वाले होंगे, दोनों में युग्मक निर्माण भी होगा और युग्मक संलयन भी होगा, यहां पर हमेशा एक ही जीव भाग लेगा, ठीक है, क्लियर। तो हमने अलैंगिक और लैंगिक जनन देखा, अब अलैंगिक और लैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या होते हैं वो हम पढ़ लेंगे। अलैंगिक जनन जो होते हैं वो एकल जनक द्वारा संपन्न होता है, जबकि लैंगिक जनन जो होगा वो दो जनकों द्वारा संपन्न होगा, और वो दोनों जनक भी कैसे होंगे, विपरीत लिंग वाले होंगे। तो अलैंगिक जनन कैसा होगा, एकल जनक द्वारा संपन्न, एकल जनक द्वारा संपन्न। और लैंगिक जनन कैसा होगा, विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले दो जनकों द्वारा संपन्न। लैंगिक एकल जनक द्वारा संपन्न होगा, लैंगिक जनन विपरीत लिंग वाले दो जनकों द्वारा संपन्न होने वाली प्रक्रिया होगी। दूसरा, हमने ये कहा था कि अलैंगिक जनन जो होगा उसके अंदर युग्मक निर्माण उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है, लेकिन युग्मक संलयन जो होगा, युग्मक संलयन जो होगा वो अनुपस्थित होगा, युग्मक संलयन अनुपस्थित होगा। माइनस एंटी अनुपस्थित, प्लस एंटी उपस्थित या प्रेजेंट, ये एक्सेंट को दर्शाता है।
आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एब्सेंट और प्रेजेंट के लिए प्लस एंटी और माइनस एंटी का सिंबल मान रखा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर युग्मक निर्माण भी होगा और युग्मकों का संलयन भी होगा। युग्मक निर्माण में युग्मक संलयन दोनों, युग्मक संलयन दोनों प्रेजेंट, युग्मक निर्माण में युग्मक संलयन दोनों प्रेजेंट होंगे। अगला, अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, दूसरा पुनर्योजन नहीं होता, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो मेन जो चीज है वो ये कि अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन एब्सेंट, और यहां पर अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, उपस्थित होगा। अर्धसूत्री विभाजन कब होगा, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान होगा, ठीक है। तो अर्धसूत्रण और उपस्थित होगा, अर्धसूत्रण यहां पर क्या होगा, उपस्थित होगा। अगला, इनकी जो संतति होती है अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है वो आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से, आकारिकी व आनुवांशिक रूप से जनकों के समान, मतलब इसका जो आकार होगा, बाह्य आकार जो होगा, शरीर की आकारिकी जो होगी वो, और इसके आनुवांशिक गुण जो होंगे, आनुवांशिकी जो होगी वो दोनों अपने जनकों के एग्जैक्ट होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एकदम अपने जनकों की फोटोकॉपी होता है। यहाँ पर क्या होता है, आकारिकी और आनुवांशिक दोनों रूप से भिन्न होता है, आकारिकी और आनुवांशिक रूप दोनों से क्या होगा, भिन्न। तो आकारिकी और आनुवांशिकी इसकी क्या होगी, भिन्न होगी, और इसकी क्या होगी, समान होगी। एक शब्द आता है क्लोन, क्लोन के लिए हम ये कहते हैं कि ऐसी संतति जो आकारिकी रूप से व आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के बिल्कुल समान हो उसे अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होगा, संतति जो बनेगी वो आकारिकी व आनुवांशिक रूप से समान होगी, जनकों के समान होगी, और ऐसी संतति को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखनी है वो ये कि क्लोन जो होगा वो न केवल अपने जनकों के, क्लोन जो होगा वो न केवल अपने जनकों के बल्कि अपने जो सिबलिंग्स हैं, अपनी जो भाई बहन है उसके, उनके भी एग्जैक्ट समान होगा, उनके भी बिल्कुल समान होगा, क्योंकि सारी संतति अपने जनक के समान है। तो जनक के समान होगी तो आपस में भी क्या होती है, समान होती है। जबकि लैंगिक जनन जो होगा उसमें जो संततियां बनेंगी वो आकारिकी रूप से व आनुवांशिक रूप से क्या होंगी, अलग अलग होंगी, भिन्न होंगी। अगला, अलैंगिक जनन जो होता है वो एक धीमी प्रोसेस होती है, सॉरी तीव्र प्रोसेस होती है अलैंगिक जनन, और बहुत सरल प्रोसेस होती है। कैसी होगी, सरल व तीव्र प्रक्रम, सरल व तीव्र प्रक्रम। जबकि तुलनात्मक रूप से देखें तो लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, धीमी प्रोसेस होती है और जटिल प्रोसेस होती है। तुलनात्मक रूप से जटिल व धीमी प्रक्रिया होती है, जटिल व धीमी प्रक्रिया। जटिल और धीमी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, युग्मक जो होंगे उनके जीन जो होंगे उनमें आपस में पुनर्योजन होगा, वो सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसकी वजह से क्या होता है, धीमी होती है और बहुत जटिल प्रोसेस होती है। अगला, इसकी अलैंगिक जनन जो होता है उसकी गुणन दर, यानी संतति उत्पादन की जो दर होती है वो गुणन दर जो होती है बहुत अधिक होती है, गुणनदर बहुत अधिक होती है। अलैंगिक जनन में एक साथ कई संततियां उत्पन्न की जाती हैं, जबकि लैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर गुणनदर जो होती है वो बहुत कम होती है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया धीमी होगी, इस धीमी होगी तो उसमें संतति उत्पन्न जो होगी वो भी बहुत कम होगी। तो दो चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर, लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंतर के अलावा आपको जो याद रखना है, एक तो पहला शब्द क्लोन, क्लोन की डेफिनेशन लिख लेना कि ऐसी संतति जो आनुवांशिक रूप से एवं आकारिकी रूप से अपने जनक के समान हो उसे क्या कहते हैं, क्लोन। और दूसरा हमारे को ये याद रखना है कि क्लोन न केवल अपने जनकों के बल्कि अपने सिबलिंग्स होते हैं, अपने जो भाई बहन होते हैं
या इसके जनकों की जो अन्य संततियां हैं उनके भी समान हो गए हैं। तो क्लोन जो होंगे वो अपने जनकों के समान होंगे और अपने भाई बहन के भी समान होंगे। ये था जन्म के बारे में थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन अपने टॉपिक का जो था उसकी बात करते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में जनन कैसे होगा। आवर्तबीजी पादपों में जनन, हेडिंग लगाओ आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन, आवर्तबीजी पादपों में जनन अपन बात करें, उससे पहले आवर्तबीजी के बारे में हमने ये तो कह दिया था कि इसके बीज जो होंगे वो फलों द्वारा संरक्षित रहते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि बीज जो होंगे फल द्वारा आवरित, बीज जो होंगे वो फल द्वारा आवरित रहते हैं, फल द्वारा आवरित रहते हैं। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम 11वीं क्लास में जीवन चक्र हमने सभी जीवों का पढ़ा है, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी जीव की दो प्रकार की पीढ़ियां हो सकती हैं या किसी भी पादप की दो प्रकार की पीढ़ियां हो सकती हैं, एक युग्मकोदभिद और दूसरी होती है बीजानुभिद। तो इनकी जो मुख्य पीढ़ी होती है यानी मुख्य पादप शरीर जो होता है वो होता है बीजानुभिद। मुख्य जो पादप, मुख्य पादप काय, मुख्य पादप जो पीढ़ी होती है वो होती है बीजानुभिद, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट पीढ़ियां जो होंगी इन पादपों की, ये बीजानुभिद पीढ़ियां जो होंगी पहले तो द्विगुणित होंगी, 2m होंगी, यानी इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, 2m होगी, द्विगुणित होगी। दूसरा स्वकोशी होगी, स्वकोशी होगी। अरे पादप है, पादप की मुख्य शरीर है, मुख्य शरीर में उसमें पत्तियां होंगी, पत्तियां होंगी तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करेगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। दीर्घजीवी होगी, दीर्घजीवी होगी यानी लंबे समय तक चलती रहेंगी। अब दीर्घजीवी रहेंगी तो मुख्य पादप शरीर कैसा होगा, मुख्य पादप शरीर जो होगी, मुख्य पादप काय जो होगी वो बीजानुभिद पीढ़ी होगी, और बीजानुभिद पीढ़ी कैसी होती है, द्विगुणित होती है, स्वकोशी होती है, दीर्घजीवी होती है। अब इस बीजानुभिद पीढ़ी के बाद में बनती है, इसके अंदर दूसरी पीढ़ी जो होती है वो होती है युग्मकोदभिद, युग्मकोदभिद। या ऐसे भी रख सकते हो बीजानुभिद जिसके अंदर बीजों का निर्माण होता है, युग्मकोदभिद जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मकोदभिद पीढ़ी कैसी होगी, युग्मक बन रहे हैं तो युग्मक कैसे होंगे, अगुणित होंगे, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। दूसरा स्वकोशी होंगे क्या, नहीं स्वकोशी नहीं होंगे, विषमकोशी होंगे, और वो अपोषण ये कहां से प्राप्त करेंगे, बीजानुभिद पीढ़ी से प्राप्त करेंगे। दीर्घजीवी होते हैं बीजानुभिद पीढ़ी, लेकिन युग्मकोदभिद पीढ़ी जो होती है अल्पजीवी होती है, अल्पजीवी यानी बीजाणु जो होते हैं वो कुछ ही समय के लिए जीवित रहते हैं, बीजाणु जो होते हैं वो कुछ ही समय के लिए जीवित रहते हैं और बहुत हासिल होती है, बहुत हासिल होती है। अब इसकी युग्मकोदभिद बीजानुभिद पीढ़ी जो होती है वो तो होती है स्वतंत्र जीवी, कैसी होती है, स्वतंत्र जीवी। अरे जो अपना भोजन स्वयं बना सकती है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकती है, तो बीजानुभिद पीढ़ी तो स्वकोशी है, इस कारण क्या होती है, स्वतंत्र जीवी। लेकिन युग्मकोदभिद पीढ़ी जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, इसलिए युग्मकोदभिद पीढ़ी जो होती है वो बीजानुभिद पीढ़ी पर निर्भर होती है, बीजानुभिद पीढ़ी पर निर्भर होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है, वैसे क्लास 11 में पढ़ चुके हो कि बीजानुभिद और युग्मकोदभिद पीढ़ियां एक दूसरे, सॉरी युग्मकोदभिद पीढ़ी बीजानुभिद पर निर्भर रहेगी और बीजानुभिद क्या रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, इन पादपों में आवर्तबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतर का मतलब है कि एक पीढ़ी उसके बाद में दूसरी पीढ़ी, फिर पहली वाली पीढ़ी, फिर दूसरी वाली पीढ़ी, यानी पहले कौन सी होगी, मुख्य पीढ़ी कौन सी होगी, बीजानुभिद, बीजानुभिद। अब इस बीजानुभिद पर निर्भर कौन रहेगी, युग्मकोदभिद, इस पर निर्भर रहेगी युग्मकोदभिद। युग्मक बन गए, युग्मकों के निर्माण, युग्मकों के संलयन से फिर क्या बनेगा, बीज बनेगा, तो अगली पीढ़ी फिर कौन सी आ जाएगी, बीजानुभिद, फिर अगली पीढ़ी बीजानुभिद के बाद में युग्मकोदभिद, यानी
पीढ़ी एकांतरण क्या होगा, एक के बाद दूसरी पीढ़ी, एक के बाद दूसरी पीढ़ी, तो पहले बीजाणुद्भिद, उसके बाद में युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद के बाद में फिर बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद के बाद में फिर युग्मकोद्भिद, इस तरह इनमें पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। तो ये था आज का हमारे वीडियो के अंदर, हमने पढ़ा जनन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और आवर्तबीजियों के इंट्रोडक्शन या आवर्तबीजी पादपों का परिचय हम पढ़ चुके। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आवर्तबीजियों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, क्या क्या उनकी प्रक्रियाएं होती है, वो सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।